Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, I am Farhan Abano and today I'm, uh, I will discuss about the PCR reaction, polymerase chain reaction, course title Introduction to Molecular Microbiology and course instructor Dr. Niaz Muhammad, Department of Microbiology, CUST. Outline, Introduction to Polymerase Chain Reaction, Components of the Reaction Mixture used in PCR, Procedure of PCR, Applications of PCR. लेक्चर आउटकम्स आफ्टर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस लेक्चर यू ऑल विल बी नो अबाउट द इम्पॉटेंट टेक्नोलॉजी ऑफ पोलीमर इज चेन रिएक्शन रिएक्शन कम्पोनेंट्स एंड प्रोसीजर इन डिटेल एंड ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ पी सी आर पोलीमर इज चेन रिएक्शन ये होता क्या है आपके पास किसी भी डीएनए सैंपल को जब आप डील करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि आप डीएनए सैंपल को डील कर रहे होते हैं और आपका डीएनए सैंपल अगर तो इनफ क्वांटिटी में नहीं होता तो आप उसको इंक्रीज़ करते हैं मतलब उसकी क्वांटिटी को आप क्या कर देते हो इंक्रीज़ कर देते हो अब वो इंक्रीज़ जो है वो आपका इसी टेक्निक के वजह से होता है जो कि है पी यानी कि पोली चेन रिएक्शन पी होता क्या है एम्पलीफाई सिंगल कॉपी और अ फ्यू कॉपीज ऑफ अ पीस ऑफ डी एन ए जनरेटिंग डी एन ए सीक्वेंस मतलब कि एम्पलीफाई सिंगल कॉपी मतलब कि आप एक सिंगल uh, कॉपी होती है आप उसको क्या कर देते हो मिलियंस टू थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ कॉपीज आप उस एक Uh, uh, जो आपके पास टारगेटेड डीएनए होता है जो जिसका आप जो है uh, कोई भी क्वांटिटीज uh, बढ़ाना चाहते हो मतलब कि आप उसकी क्वांटिटी को uh, बढ़ाना चाहते हो तो उसकी इंक्रीज़ जो है वो आपके पास पोलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से होता है पीसीआर इज़ एन एक्सपोनेंशियली प्रोग्रेसिंग सेंथिसिज ऑफ द डिफाइन टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस इन विट्रो एक्सपोनेंशियली प्रोग्रेसिंग मतलब कि एक कॉपी आपके पास अगर आ गई एक रिएक्शन में तो अब वो प्रोडक्ट्स हो जाते हैं लेकिन जब वो दूसरा रिएक्शन होता है तो उसके लिए वो एज अ रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं ताकि आपके पास जो है वो और थाउजेंड uh, कॉपीज़ जो है वो बन सके मतलब एक डीएनए आपके पास जब वो कॉपीज दे देता है तो वही कॉपीज़ आप दूसरे रिएक्शन के लिए आपके पास एज अ रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं नेक्स्ट है पोली अब इसको पोली मतलब पोली चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं पॉलीमरेज इस वजह से क्योंकि इसमें जो इन्ज़ाइम यूज़ होता है वो है आपके पास डी एन ए पोली चेन चेन इस वजह से जैसे पहले भी बताया कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं फर्स्ट रिएक्शन के वो दूसरे आ, उसके आ, जो रिएक्शन होता है उसके आपके पास रिएक्टेंट्स हो जाते हैं और इसी तरह ये चेन जो है वो चलती रहती है और आपके पास जो है वो इन्वेंट किया था 1938 में डॉक्टर कैरीमूलिस फॉर विच ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1993 डीएनए पॉलीमरेज अब ये इस वजह से यूज़ किया जाता है क्योंकि ये आपके पास थर्मोस्टेबल इंजाइम होता है अब थर्मोस्टेबल इंजाइम ये आपके पास एक थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया है जो कि उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है अ थर्मोफिलिग यू बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम अ हॉट स्प्रिंग इन येलो स्टोन नेशनल पार्क थर्मस इक्वेटिकस को ही क्यों एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसी से क्यों पोली क्योंकि ये आपके पास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाता है जैसे कि अगर 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसमें भी वो सर्वाइव कर पाता है इस वजह से ये पोलियोमरीज चेन रिएक्शन के लिए यूज़ होता है क्योंकि पोली चेन रिएक्शन में आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर जो है वो वेरी करते हैं तकरीबन नाइन्टी एट या नाइन अप टू नाइन्टी सिक्स डिग्री जो है वो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो इस वजह से ये बैक्टीरिया से पोली मरीज चेन पोली मरीज एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स में यहाँ पे ये जो है येलो स्टोन नेशनल पार्क जहाँ से इस बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर डीएनए उससे निकाल दिया जाता है ये है बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस रिएक्शन कम्पोनेट्स ऑफ पी सी आर टारगेट डी एन जब आपके पास कोई टारगेट डी एन नहीं होगा तो आप पी सी रिएक्शन नहीं कर सकते मतलब आप किसी एक डी एन सीक्वेंस को या एक जो आपके पास जीन होता है उसकी आप कॉपीज़ बनाना चाहते हो तो आपके पास एक टारगेट डी होना चाहिए जिसकी आपने कापीज़ बनानी है अब आप जो है पूरे डी को नहीं ले सकते मतलब पूरे डी को आप एम्प्लीफाई uh, नहीं कर सकते कि आप उसको इंक्रीज़ करें बल्कि आप उसी का सिर्फ एक जीन या फिर फ्यू जीन्स या सेवरल जीन्स को आप यूज़ करके उसको एम्प्लीफाई आप कर लेते हो पेयर ऑफ़ प्राइमर्स अब पेयर ऑफ़ प्राइमर्स जो हैं वो आपके जो टारगेटेड डीएनए है जो आपका टारगेट है जिसकी आप डीएनए ने डीएनए को आपने कॉपीज़ बनानी हैं तो उस डीएनए की इनिशिएशन uh, साइट को डिफाइन करता है कि फाइव टू थ्री प्राइम या थ्री टू फाइव प्राइम उसको क्या करने कर देना है प्राइमर्स ने अटैच होना है पेयर ऑफ प्राइमर्स आर ओलीगो न्यूक्लोटाइड दैट डिफाइन द सीक्वेंस टू बी एम्प्लीफाइड डी एन टी पीज होते हैं डी ऑक्सी न्यूक् न्यूक्लोटाइड ट्राई जो कि पता है कि आपके पास जो डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसको कहा जाता है तो डी होते हैं फिर आपके पास है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो कि रिएक्शन को कैटालाइज करता है जो कि इस रिएक्शन में यूज़ होता है इन्ज़ाइम नेक्स्ट है मैग्नीशियम आइन्स जो कि आपके पास इन्जाइम्स का को फैक्टर है एक एन्ज़ाइम का ये बेसिकली इतना इसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी चाहिए होता है बफर सॉल्यूशन है जो कि पी एच uh, को मेंटेन करता है यानी कि रिएक्शन का जो पी एच होता है या उसकी जो आयोनिक स्ट्रेंथ होती है एंजाइम uh, एक्टिविटी के लिए उसको क्या कर देता है मेंटेन करता है अब ये जो सिक्स कंपोनेंट्स हैं पीसीआर के तो ये इंपॉर्टेंट uh, कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी भी पीसीआर रिएक्शन में प्रेजेंट होने चाहिए प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर प्रिंसिपल मतलब के पीसीआर को एक किस्म की डिज़ाइनिंग कह लो कि डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपके पास थर्मल साइकिलिंग यानी कि थर्मल साइकिलिंग आपके पास रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन जब होता है उसमें टेम्परेचर हाई होता है तो फॉर एग्जांपल दूसरा साइकिल अगर चलता है तो उसमें हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं लो कर देते हैं नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है नेक्स्ट है प्राइमर्स प्राइमर्स क्या होते हैं जो कि शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं कंटेनिंग सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट रीजन ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि जो टारगेट रीजन होता है उससे कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है उसकी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि उसके साथ जो है वो मैच uh, कर रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंटेरिटी मेकेानिज़म आपको पता होगा डीएनए का जो है वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी मैकेनिज्म तो ये प्राइमर्स जो है उसके लिए इंपॉर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं डीएनए जनरेटेड इज इटसेल्फ यूज्ड एज अ टेंपलेट फॉर एप्लीकेशन सेटिंग इन मोशन अ चेन रिएक्शन जैसे कि पिछले स्लाइड में भी हमने बताया कि आपके पास जो डीएनए होता है वो अगर उससे एक प्रोडक्ट बन जाता है मतलब एक चेन जो है वो रिएक्शन हो जाता है तो वही प्रोडक्ट्स फिर अगेन दूसरे रिएक्शन में आपके पास जो है एज अ रिएक्टेंट्स यूज होते हैं प्रोसीजर ऑफ पीसीआर पीसीआर बेसिकली आपके पास ट्वेंटी टू फोर्टी रिपीट रेपिटेटिव टेम्परेचर चेंजेस होते हैं जिसको आप साइकल्स कह लो मतलब कि ट्वेंटी टू फोर्टी आपके पास एक साइकिल होता है जिसमें आपके पास चेंजेस होती हैं रिपीटेड ईच साइकिल कॉमनली कंसिस्टिंग ऑफ टू टू थ्री डिस्क्रीट टेम्परेचर स्टेप्स हर एक साइकिल में कॉमनली आपके पास टेम्परेचर स्टेप्स होते हैं अबाउट टू टू थ्री temperatures used and the length of time enzymes used for dna synthesis up टेम्परेचर्स जो है वो डिपेंड करता है कि मतलब या उसका जो लेंथ होता है या जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है इन्जाइम यूज फॉर डीएनए सिंथेसिस जो इन्ज़ाइम यूज़ होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए कंसट्रेशन ऑफ आइंस एंड डी एन टी पीज एंड द रिएक्शन एंड द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ़ द प्राइमर्स मेल्टिंग टेम्परेचर आपके पास क्या होता है वो टेम्परेचर जब आपके पास प्राइमर्स जो हैं वो टारगेट डीएनए के साथ एनील कर जाएं तो इसके लिए भी ये टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मतलब इस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अब प्रोसीजर स्टार्ट होता है फर्स्ट वन है इनिशियलाइजेशन स्टेप ये रोगुल रेगुलर स्टेप जो है वो नहीं होता है मतलब ओकेजनली डन होता है डीएनए पॉलीमरेज़ेस हीट एक्टिवेशन बाय हॉट स्टार्ट पीसीआर बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज़ेस जो है उसको हीट एक्टिवेशन दिया जाता है हीटिंग द रिएक्शन टू अ टेम्परेचर ऑफ नाइन्टी फोर टू नाइन्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट वन टू नाइन मिनट्स नेक्स्ट है डी नेट्रेशन स्टेप ये है आपके पास फर्स्ट रेगुलर साइक्लिंग इवेंट हीटिंग द रिएक्शन टू नाइन्टी फोर टू नाइन्टी एट डिग्री सेंटीग्रेड अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी सेकेंड्स आप देख सकते हो कि पिछले स्टेप में आपके पास जो टेम्परेचर था वो 94 फोर टू नाइन्टी डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम जो था वो वन टू नाइन मिनट्स था अब डी नेचरेशन स्टेप में आपके पास 94 फोर टू नाइन्टी डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम जो है वो आपके पास कम हो गया है अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी सेकेंड्स डी एन ए मेल्टिंग ऑफ द डी एन ए टेम्पलेट बाई डिस्ट्रप्टिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अब इसमें क्या होता है कि डी नेचरेशन स्टेप में जो डी एन ए होता है वो आपके पास मेल्ट कर जाता है डीएनए आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में वो क्या कर जाते हैं टूट जाते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस ग्राफ में डीनेचुरेशन का प्रोसेस है और इसमें आप देख सकते हैं ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो जिस डीएनए को आप टारगेट कर रहे हो तो उसको क्या कर देते हैं बीच में यूं समझ लो कि उसको कट कर देते हैं ये देखें आप बीच में मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है उसको क्या कर देते हैं डी कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप इज एनीलिंग स्टेप एनीलिंग स्टेप में जब आप आ, जो है टेम्परेचर आप उसको क्या कर देते हो डायरेक्टली उसको लो कर देते हो रिएक्शन टेम्परेचर जो है वो आपके पास ट्वेंटी टू फोर्टी सेकेंड के लिए ये साइकिल या ये स्टेप जो है वो होता है जिसमें आप टेम्परेचर को लो कर देते हो अब इस टेम्परेचर के लो होने की वजह से आपके पास जो प्राइमर्स होते हैं वो टेम्पलेट डीएनए के साथ क्या कर जाते हैं एनील कर जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्राइमर टू दिस ट्रेंड हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो प्राइमर होता है वो स्ट्रैंड के साथ क्या कर देता है हाइब्रिड्स बना लेता है स्टेबल डीएनए डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड्स द प्राइमर सीक्वेंस वेरी क्लोजली मैचिंग द टेम्पलेट सीक्वेंस द पोलीमर इज बाइंड टू द प्राइमर टेम्पलेट हाइब्रिड एंड बिगेंस डीएनए फॉर्मेशन अब इसमें आप देख लें कि ये यहाँ पे प्राइमर्स जो हैं वो इस ट्रेंड के साथ क्या कर गए हैं एनील कर गए हैं आपके पास यहाँ पे डीएनए प्राइमर्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज होता है और डी होते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एनीलिंग स्टेप में तब तक अपना काम नहीं करता स्टार्ट नहीं करता जब तक ये जो प्राइमर्स होते हैं वो जिस साइट पे उसने अटैच होना होता है या जो इनिशिएशन साइट यानी कि फाइव टू थ्री प्राइम तो यहाँ पे फाइव प्राइम या थ्री प्राइम से प्राइम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे थ्री प्राइम्स वाले जो हैं इनिशिएशन साइट तो यहाँ पे जब वो उसको डिफाइन ना कर ले तब तक डीएनए एन जो है वो अपना काम नहीं करता डीएनए एन प्राइमर्स जो है वो जब टारगेटेड डीएनए के साथ एनील कर जाते हैं तो आपके पास डीएनए डीएनए हाइब्रिड बन जाते हैं यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आपके पास हो जाती है और एक टेम्पलेट हाइब्रिड जो है वो बन जाता है और इसी के साथ जो डीएनए है उसकी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है अब जो डी एन हाइब्रिड है उसकी स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपके पास जो प्राइमर्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट हों कॉम्प्लीमेंट िटी हो उसमें कि वो डीएनए हाइब्रिड के साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी हो और जो पॉलीमरेज है उसका तक कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्यों जरूर होती है ताकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सके अब कॉम्प्लीमेंटेरिटी ना हो यानी कि फॉर एग्जांपल ये प्राइमर्स जो है ये इस ट्रेंड के साथ कॉम्प्लीमेंट ना होते तो अब डीएनए पॉलीमरेज काम ना करता इसी वजह से जो टारगेटेड uh, सीक्वेंस होता है उसके साथ प्राइमर्स का कॉम्प्लीमेंट uh, होना बहुत ज़रूरी है बाइंडिंग ऑफ प्राइमर्स टू इट्स टारगेटेड सीक्वेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर्स डीएनए डीएनए हाइब्रिड या डीएनए एन टेम्पलेट इज कॉल्ड एनी लिंग स्टेप नेक्स्ट है आपके पास एक्सटेंशन या फिर एलोंगेशन स्टेप अब ये जो आपके पास डिपेंड करता है पोलीमरीज जो आपके पास यूज़ होता है उस पर डिपेंड करता है टेक पोलीमरीज हैज़ इट्स ऑप्टिमम एक्टिविटी टेम्परेचर एट 75 फ़ाइव टू एटी डिग्री सेंटीग्रेड 75 फ़ाइव टू एटी डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम एक्टिविटी है दूसरे डीएनए एन जो हैं वो तकरीबन uh, इसी एन्ज़ाइम के साथ तकरीबन सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपनी एक्टिविटी शो करते हैं डी एन जो है वो uh, अगेन आपके पास जो है डी प्राइमर uh, को रिकोगनाइज करेगा एंड डी एन ए टेम्पलेट हाइब्रिड कम एंड अटैच टू दिस डी एन ए पोलीमरेज अ न्यू डी एन ए स्ट्रेंड कॉम्प्लीमेंटरी कॉम्प्लीमेंट्री टू द डी एन ए टेम्पलेट स्ट्रैंड बाई एडिंग डी एन टी पीज इन फाइव डायरे फाइव फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा कि आपके पास प्राइमर्स को रिकॉग्नाइज करेगा जैसे मैंने पहले भी बताया और डीएनए एन हाइब्रिड जो है उसको भी रिकॉग्नाइज करेगा एंड देन ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आपके पास अटैच हो जाएगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में एक्सटेंशन टाइम जो है वो डिपेंड करता है डी एन ए पोली एंड ऑन द लेंथ ऑफ द डी एन ए फ्रैगमेंट टू बी एम्प्लीफाइड जो टाइम है वो आपके पास जो डी एन ए पोली यूज़ होता है उस पर डिपेंड करता है या आपने डीएनए फ्रेगमेंट जितना यूज करना है जितना उसको एम्प्लीफाई करना है जो आपका टारगेट डीएनए है उसके एम्प्लीफिकेशन पे डिपेंड करता है डीएनए पॉलीमरेज विल पॉलीमराइज़ 1000 बेसिस पर यूनिट इस पिक्चर में इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि डीएनए आप देख सकते हो कि पिछले स्टेप में आपके पास प्राइमर्स जो है वो अटैच हो गए थे अब एक्सटेंशन में आपके पास ये जो आपके पास ग्रीन स्ट्रक्चर शो हुआ है ये आपके पास आ जाता है टेक पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज जो कि आपके पास यहाँ पे अटैच हो जाता है और आपके पास जो है फिर आगे जाके बेसिस जो हैं या फिर जो आप मतलब फाइव टू थ्री डायरेक्शन में आपके पास जो है वो अटैच होते जाते हैं और इस तरह से आपके पास एक न्यू डी एन जो है वो आपके पास बन जाता है नेक्स्ट है आपके पास फाइनल एलोंगेशन पिछ पिछले स्टेप में आपके पास जो टाइम है वो डिपेंड करता है कि जिस फ्रेगमेंट पे जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि जिस फ्रेगमेंट पे आप काम कर रहे हो तो उसके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम यूज़ करते हो फाइनल एलोंगेशन ये भी आपके पास एक रेगुलर स्टेप नहीं होता ओकेजनली परफॉर्म किया जाता है एट अबाउट सेवेंटी टू सेवेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर फाइव टू फिफ्टीन मिनट्स टू इंश्योर दैट अब ये किया क्यों जाता है फाइनल एलोंगेशन के दैट एनी रिमेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एन फुली एक्सटेंडेड कोई भी अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है अगर तो फॉर एग्जांपल एलोंगेशन स्टेप से रह गया है तो इस वजह से फाइनल एलोंगेशन की जाती है ताकि कोई भी ऐसा डीएनए स्ट्रैंड ना रह जाए जो कि एलोंगेट या एक्सटेंशन उसकी ना हुई हो तो ये स्टेप इसको इंश्योर करने के लिए किया जाता है फाइनल होल्ड दिस स्टेप एट फोर टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड अगेन दिस इज़ नॉट अ रेगुलर स्टेप फॉर एन इनडेफिनट टाइम मे बी एम्प्लॉयड फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ द रिएक्शन अब ये क्या करता है इसकी वजह फाइनल होल्ड मतलब कि आपके पास जो uh, एक uh, जो पी सी आर से जो रिएक्शन या रिएक्टेंट जो uh, प्रोडक्ट जो आपके पास आ जाते हैं उसको क्या कर देते हैं फोर टू फाइव फिफ्टीन डिग्री सेंटिग्रेड पर आप उसको क्या कर देते हो शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए स्टोर कर देते हो ये है आपके पास और फुल पीसीआर रिएक्शन का डायग्राम जिसमें देख सकते हो आप कंपोनेंट्स होते हैं कंपोनेंट्स आपके पास डीएनए डीएनए प्राइमर्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे कि डी स्टेप दिखाया हुआ है यहाँ पे आपके पास डी में क्या हो जाता है डीएनए एन स्ट्रेंड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं एनीलिंग स्टेप जिसमें टेम्परेचर जो है वो नाइन्टी टू नाइन्टी डिग्री सेंटीग्रेड डी में है एनीलिंग में आपके पास टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है फिफ्टी टू सिक्सटी जिसमें आपके पास प्राइमर्स जो हैं वो डी

टैक पॉलीमरेज या फिर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है और आपके पास अगेन डीएनए की कॉपी बन जाती है एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, एप्लीकेशंस मतलब के टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी का आप किस तरह से इंडस्ट्रियल यूज करते हो फर्स्ट वन है डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज मतलब कि पीसीआर की वजह से जो आपके पास जेनेटिक डिजीज होते हैं या तो आपके पास इनहेरिटेड होते हैं या स्पॉन्टेनियस होते हैं उसको डायग्नोस करता है इवन कि आपके पास जब फीटस होता है बिफोर बर्थ उसमें भी डायग्नोसिस आपके पास हो जाती है उसका तरीक़ाकार ये है कि मदर ब्लड को लेके उसमें आ, उसकी टेस्टिंग की जाती है प्राइमर्स जो है आ, एनीलिंग अगर अगर हो जाती है तो देन कोई भी डिजीज़ उसमें नहीं होती लेकिन अगर एनीलिंग नहीं होती है प्राइमर्स की आ, आपके पास जो डी ट्रेंड होता है टू मीन्स डेट कि कोई भी डिजीज जो है उसको डायग्नोस कर लिया जाता है नेक्स्ट है जेनेटिक फिंगर प्रिंट इसको ऑल्सो नोन एज डी एन ए प्रोफाइलिंग नोन इस वजह से किया जाता है डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स या डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स में यूज किया जाता है ताकि वेरियस फॉर एग्जांपल अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या फिर एफबीआर इन्वेस्टिगेशन में जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है नेक्स्ट है डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस इंफेक्शियस डिजीजेस का भी आपके पास जो है इसकी वजह से डिटेक्शन या डायग्नोसिस हो जाती है इन्फेक्शस डिजीज़ पैरासिटिक बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि मलेरिया फॉर एग्जांपल मलेरिया भी आप जो है पीसीआर के थ्रू उसको डायग्नोस कर सकते हो डिटेक्शन ऑफ द इन्फेक्शन इन द इन्वायरमेंट यानी कि एन्वायरमेंट बेसिकली एयर होता है उसमें भी अगर प्रेजेंस ऑफ पैथोजिन हैं तो उसको भी डिटेक्ट किया जाता है और ये आपके पास पर्सनलाइज्ड मेडिसन यानी कि आप uh, एक इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइंस है जिसमें आप uh, एक पर्सनलाइज्ड मेडिसन जो है उसकी एप्लीकेशन पीसीआर uh, को यूज़ करके एक मेडिसन जो है वो बना सकते हो नेक्स्ट है पीसीआर इन रिसर्च ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पीसीआर जो है वो आपके पास रिएक्शन सॉरी रिसर्च में यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसकी रिसर्च में इवन uh, वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स पे जो कि इसी पीसीआर की हेल्प की ही वजह से आपके पास जो है वो कंप्लीट हो गया है दीज आर द रेफरेंसेस थैंक यू फॉर लिसनिंग